बधाई हो सर, आप जैसे जनप्रिय मुख्यमंत्री के कारण ही कुख्यात अपराधी ब्लैक टाइगर को फांसी पर लटकाने हुए हैं। इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है। वी आर ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप वाकई सम्मान करना चाहते हैं तो अगर करना ही है तो उस निडर ऑफिसर का कीजिए, उस असली शेर का जिसका नाम है अग्नि का जज्बा। अभिनंदनीय है, मगर उसके पीछे आपकी ही हौसला अफजाही थी श्रीमान। वो हमेशा ड्यूटी के लिए मर मिटने को तैयार है, इसीलिए उसे एक बड़ा असाइनमेंट दिया गया है। खुशी हुई? यस सर। कहाँ? जिहाद। जिहाद हमारा सबसे पहला टारगेट, इस देश की राजधानी दिल्ली, उसके बाद मुंबई, हैदराबाद और फाइनली बेंगलोर। शाबाश। ठीक उसी तारीख को और ठीक उसी समय ब्लास्ट होंगे, धमाके के गूंज से संसद थर्रा उठेगी, इंडिया हिल जाएगी और हमारा मकसद पूरा होगा। जिहाद 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 जिहाद। हिंदुस्तान को तबाह करोगे? इम्पॉसिबल। इंडिया मेरी मातृभूमि, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। सुभ्रज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुल्ल कुसुमित द्रुमदुल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। तुम लोग हिंदुस्तान में आतंक फैलाओगे तो नतीजा बहुत बुरा होगा। इस ऑपरेशन में जितने भी आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सिपाही शहीद हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से नेशनल सल्यूट। जनता को जवाब देना। जाइए 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 जाइए, प्लीज सुनो, मुझे फोटोग्राफी या पब्लिसिटी पसंद नहीं है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। जस्ट लीव मी अलोन। आई से नो। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। आप वाकई में हीरो हैं। कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने वाला हर कोई हीरो ही होता है। सरकार हमें तनख्वाह देती है कर्तव्य निभाने के लिए। देश ने हमारे लिए क्या किया ये सोचना छोड़ के देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये सोचो। लुक, एनी टाइम एनी प्लेस एनी वेयर एनी प्रॉब्लम, हम पुलिस वाले आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। माई नंबर 9841295575। हे भगवान, न्याय के लिए एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, लेकिन तूने उसी न्याय के रास्ते पर चलने वाले दूसरे बेटे को मुझे दे दिया। उसे लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देकर हमेशा विजय प्रदान कर ईश्वर। माँ भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अग्नि तू 100 साल जिएगा। अभी अभी भगवान से तेरे बारे में ही बातें कर रही थी। अरे मेरे लिए तुम ही भगवान हो माँ। जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है तो दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है माँ। आज जीत के आया हूँ माँ। तू जरूर जीत के आएगा, ये मुझे मालूम था। कर्तव्य ही निष्ठा है, न्याय नीति और धर्म ही सब कुछ है, ऐसा मानने वाले तुझे भगवान कभी निराश नहीं करेंगे। आपके लिए भगवान ही सब कुछ है माँ, लेकिन भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। जन्म देने वाली माँ मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई। जिंदगी में सिर्फ एकमात्र सहारा था, वो था मेरा भाई जिसने पढ़ा लिखा के मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। और आज उस भाई का साया भी मेरे सिर से उठ गया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी उनकी तरह एक जिम्मेदार पुलिस अफसर बनूं,
मेरे कंधों पर आप जो स्टार्स देख रही हैं, वो मेरे स्वर्गवासी भाई अनिल की देन है माँ। उनकी बदौलत आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बन गया हूँ। आज इनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी माँ। इस अनाथ को एक अच्छा सा घर मिल गया, ये सब तुम्हारी दुआ का असर है माँ। माँ, इस अनाथ की जिंदगी में तुम लोगों ने खुशी के दिए जला दिए, लेकिन मुझे तुम्हारी कसम माँ, जिसने मुझसे मेरी खुशी छीन ली, खुश है मैं चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। माँ, मैं तुमसे कहा करता था कि प्राण सभी पर एक दोस्त है विजय, ये वही है माँ। अग्नि, बेटे को खोकर अनाथ खड़ी मुझे तूने माँ कह के बुलाया, मुझे माँ का स्थान दिया। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में मैं ही तेरी माँ बनूं, ऐसी मेरी तमन्ना है बेटे। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की शिल्पा का बलात्कार, आरोपी रॉकी। ये उसका फोटो है सो। अरे, अगर ये खबर कल सुबह के अखबार में छाप दी तो शाम की खबर में मेरी मृत्यु हो गई, सारे प्रेस का सत्यानाश हो गया, ऐसी खबरें सुर्खियों में होगी। डू यू नो दैट? मुझे माफ कर दो, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। सर प्लीज सो। कह दिया ना मुझसे नहीं होगा। सर व्हाट इज दिस सो? जनता की हिफाजत करना हमारा फर्ज है सर, हम पत्रकारों को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। एंड अबव ऑल दिस इज अ वेरी सेंसेशनल न्यूज़ सर। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसी खबरें नहीं छापनी अपने अखबार में। घर का नौकर सेठानी रुड़े के भाग गया, सेठ ने नौकरानी से शादी कर ली, ऐसी खबरें लेकर आओ। सर प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंडीशन, गेट लॉस्ट। कम ऑन संध्या, सुनो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम्हारे उलझन को मैं सुलझा दूंगा। ओके, प्लीज बी रिलैक्स, कॉफी पीकर आराम से घर जाकर सोचो। संध्या, तुम्हारे पास जो एविडेंस है वो 100% पक्का है ना? रोहित, वहाँ पे कुछ लोग पीछे जिप्सी में है। हे, पीछे मुड़के मत देखना। गॉड, वो लोग हम लोगों की तरफ ही देख रहे हैं। अब ज्यादा देर यहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। ठीक हो ना? अग्नि, जानते हो ये कौन है? कौन है? ये हमारा प्रताप का बेटा है। क्या बोला? तुम्हारा नाम क्या बेटे? रामू। रामू, गुड। पावजी कैसे हैं? अच्छा हूँ साहब, अच्छा हूँ। चाय की दुकान चला के गुजारा कर रहा हूँ। रात को बड़ा बेटा दुकान संभालता है, दिन में छोटा संभालता है, और मैं हमेशा की तरह राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे रहता हूँ साहब। क्यों बेटे, स्कूल जाते हो? सर, इतनी कमाई से तो पेट भी नहीं भरता सर। मोटी कमाई पुलिस हफ्ते में वसूल ले जाती है। सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलता आया हूँ सर। इस घोर कलयुग में इन सबकी कदर करने वाला कोई नहीं है सर। स्कूल जाओगे? साहब तुम्हें पढ़ाएंगे, पढ़ोगे ना? अगर आप पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा साहब। गुड, कल से तुम भी स्कूल जाओगे। ओके विजय, टेक केयर। सर मैं स्कूल फीस, यूनिफॉर्म। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना सर, बाकी मैं देख लेता हूँ सर। ओके, चलता हूँ। चलता हूँ, गुड लक। अग्नि साहब को धन्यवाद कहो। हेलो सर, मैं रिपोर्टर संध्या बोल रही हूँ। होटल में कुछ गुंडे हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, जल्दी रेसिडेंसी रोड पे आ जाइए प्लीज। विजय सर, रेसिडेंसी रोड जाओ। ये क्या मैडम, आप तो रेसिडेंसी रोड जा रही थी, यहाँ कैसे आ गई?
वो क्या है कि कोई चेस कर रहा था इसलिए इस रास्ते पे आ गया। आप मुझे रोहित कहते हैं सर। इस माय फ्रेंड सो। हेलो सर। ओ तुम्हारा पीछा करने वाले कौन थे? वो तो थे सो। वो तो कोई नहीं है। कौन है वो लोग? मुझे लगता है वो रॉकी के गुंडे थे सो। रॉकी? हाँ, कॉल सेंटर में काम करने वाली शिल्पा मेरी सहेली थी। वो मिस एंड रेप केस वही ना? हाँ, एग्जैक्टली सो। उस केस से संबंधित फाइल है सर। मैं उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, इसी वजह से ये लोग मुझे मारना चाहते हैं सो। घबरा के मैंने आपको फोन किया। गुड, वेरी गुड। विजय, रोहित, थैंक यू वेरी मच। चल टेक केयर फॉर। ठीक है सर। विजय, ट्रेसी। यस सर। विजय, कौन है तू? तूने मुझे छुआ? तेरी ये मजाल, जानता है तू मैं कौन हूँ? किसके मुंह लग रहा है? डोंट स्टॉप म्यूजिक, कंटिन्यू। अरे मैं कुछ नहीं जानता। मैडम के यहाँ पहुँचने से पहले रॉकी का छूटकर यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ऑफिसर, मेरी पहुँच क्या है जाने बगैर तूने रात भर मुझे सेल में बंद करके रखा? अगर तू मर्द है तो सेल खोल के दिखा। बाहर आके मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओपन द सेल। विजय सर, ओपन द सेल। दही के धोखे में चूना खा गए हो तुम, बहुत पछताओगे। मुंह फट जाएगा और जिंदगी भर जबड़ा भी नहीं खोल पाओगे, याद रखना ऑफिसर। वरना ये लो, फाड़ देता हूँ। साला सामान लाता है तेरी ये मसाल। पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की जरूरत की तूने है? ऑफिसर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इसने सेंसलेस हरकत की, उसकी सजा है ये। हद से आगे बढ़ रहे हैं आप। हम इनके लिए कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आए हैं। ये नॉन बेलेबल रेप और मर्डर केस है। अरे इसने रेप या मर्डर किया, कोई सबूत है? कल एक कोर्ट में पेश कर दूंगा। ऑफिसर, तेरा तबादला मैं यहाँ से बिहार में करा के रहूंगा। माइंड यू इज इट या विजय सर, नाउ द काउंट डाउन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। कौन कौन साला कुत्ता है यहाँ जिसने मेरी बेटी को बंद कर रखा है? कौन है वो पागल कुत्ता जिसने मेरी बेटी को काटने की कोशिश की? ए, ए, तुम हो क्या? तुम हो ये? तुम हो क्यों रे? मुझे इस तरह घूर रहा है, कौन है बता? अग्नि। अग्नि कहाँ है वो? उसे तुम्हें जला के राख कर देने वाली आंखें हैं वो। अग्नि से आंखें मिलाते ही ये आंखें चौंध दिया गई ना, दैट इज द पावर ऑफ अग्नि। इस अग्नि को बुझाने वाली
सुनामी हूँ मैं। मेरी पावर क्या है जानता है? सीएम और पीएम को जन्म देने वाली जीएम हूँ मैं, गॉड मदर हूँ, राबड़ी देवी। मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ दो मुझे। रॉकी, माँ तुम्हारे सामने ही मुझे ये लोग कैसे मार रहे हैं? मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है माँ। अपनी मेरे बेटे को जल्लादों की तरह मार रहा है तू? उसने क्या डाका डाला है या फिर किसी का खून बलात्कार किया है? For your kind information, rape is a criminal offense. Yes. कॉल सेंटर में काम करने वाली शिल्पा वर्मा की इज्जत लूट का उसे मौत के मुंह में धकेलने वाला है तेरा यह बेटा रॉकी। ये अग्नि आज तेरे लौंडे का वो हाल करेगा कि जिंदगी में ये कभी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखेगा। इस पिल्ले में अगर इतनी अकड़ है तो इस अग्नि में कितनी होगी? लॉयर्स, इस राबड़ी ने क्या क्या पता है? ड्यूटी पर तैनात अफसर पे हाथ रखा, इसलिए सेक्शन 353 के मुताबिक आई एम गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर। तभी इसकी चर्बी कम होगी। क्या कहा? मुझे 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 धमकी दे रहा है तू? ए, नेकी को फोन लगाओ। मैं या फिर ये पांच फैसला हो जाना चाहिए। मैडम मैडम प्लीज खुद को संभालिए। मैडम अपना रॉकी मुख्यमंत्री होने वाला है, जरा उसके बारे में सोचिए प्लीज। मैडम इसे हम कोर्ट में देख लेंगे। खोकी पहन ली तो मुझसे ही टक्कर दे रहा है, देख लूंगी तुझे। ए, तेरा वजूद ही मिटा के रख दूंगी। इस वर्दी को तुझसे ही उतरवा कर मेरे तलवे चाटने को मजबूर कर दूंगी और तुझे मैं फुटबॉल बना के खेलूंगी। कैसे ही माइक के लाल में इतनी हिम्मत है कि अग्नि के शरीर से इस वर्दी को उतार दे? सीएम से बोलो या फिर तुम पीएम से बोलो, तू मुझे फुटबॉल बनाकर खेलो या मैं तुझे बास्केटबॉल बनाकर खेलो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं तेरे बेटे की बेसबॉल को पंचर जरूर करूंगा। बेटा वी मीट द कोर्ट टुमारो, नाउ जस्ट आई से गेट आउट। आउट मां, मैं तेरी मां यहां पर हूं। आउट, तो चिंता मत कर। योर ऑनर, मिस्टर रॉकी इस वक्त जो कटघरे में खड़ा है कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की शिल्पा से सिर्फ इनकी दोस्ती ही थी। ये जर्नलिस्ट संध्या और मरहूम शिल्पा दोनों रूममेट हुआ करती थी और इस जर्नलिस्ट संध्या के स्टेटमेंट के मुताबिक शिल्पा की जिस दिन मौत हुई थी उसी रात 9 से 12 के बीच मिस्टर रॉकी ने शिल्पा के मोबाइल पे फोन किया और उसे कहीं पे बुलाया। एम आई करेक्ट? जी हाँ। अच्छा ये बताओ फोन पे और क्या क्या बातें हुई? नहीं सर, शिल्पा ने उस कॉल को रिसीव नहीं किया। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, शिल्पा ने उस कॉल को रिसीव नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं कि फोन करने वाला रॉकी ही था। रॉकी जैसे सेलिब्रिटी को बदनाम करने के लिए एक जबरदस्त साजिश रची थी, दैट्स ऑल योर ऑनर। इस रॉकी को फंसाने के लिए ये जर्नलिस्ट संध्या उस शिल्पा के साथ मिलकर रॉकी को अपने फ्लैट में बुलाया। क्या रॉकी शिल्पा से प्यार करता था? पता नहीं सर, लेकिन ये शिल्पा को परेशान करता था। जब वो हादसा हुआ तो तुम वहाँ थी? नहीं सर, जब तक मैं जागी हुई थी शिल्पा मेरे साथ कमरे में ही थी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, उसी रात रॉकी और शिल्पा रेस्टोरेंट में खाना खाए, उसके बाद रॉकी खुद शिल्पा को उसके फ्लैट तक छोड़ आया। नो योर ऑनर, ये झूठ है, रॉकी उस रात फ्लैट पे आया ही नहीं। तुम सरासर झूठ बोल रही हो, लेकिन मेरे पास गवाह है योर ऑनर। ये बताओ शिल्पा उस रात फ्लैट में कितने बजे आई? तकरीबन रात के 11 बजे शिल्पा मैडम फ्लैट पर आई थी इसी रॉकी के साथ। उसके बाद कोई और आया? आया था सर, और मुझे अच्छी तरह याद है कि शिल्पा मैडम इसी आदमी के साथ घर आई थी। क्या ये वही आदमी है? ये वही है। अच्छा तुम ये बताओ क्या वो भी उसके साथ गया था? मेरे ख्याल से शिल्पा उसके साथ बाहर गई। इस बीच एक और वाक्य हुआ सर, शिल्पा मैडम रॉकी को छोड़ के उसके साथ गई और जाते वक्त अचानक उन दोनों में हाथापाई हो गई। इससे पहले तुमने उस शख्स को कभी देखा है? जी नहीं। तुमने गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं, गाड़ी का फॉर रजिस्ट्रेशन बोर्ड था। इससे साफ जाहिर होता है कि शिल्पा का कत्ल उसी शख्स ने किया और बेवजह इल्जाम इस रॉकी पर मर रहा है, लेकिन रॉकी का शिल्पा के कत्ल से कोई संबंध नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के दिए सबूतों से ये साबित हो गया है कि रॉकी का शिल्पा हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है, लिहाजा ये अदालत रॉकी को बाइज्जत बरी करती है। क्यों अग्नि,
तेरे कोर्ट ने क्या न्याय दिया? निरपराधी होकर छूट गया मेरा बेटा, इसका कोई जवाब है तेरे पास? खाकी वर्दी पहनकर कितनी भी उछल कूद कर ले, तू बंदी बनाने का ही सिर्फ तुझे हक है, सजा देने का हक नहीं। सजा देने का हक तो सिर्फ कोर्ट को ही है, समझ गए? लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। यही गॉड मदर राबड़ी देवी का पावर है। वन मोर लॉन्च अग्नि, बहुत हो गया, अब चलो। विजय, इस वर्दी से नफरत सी हो गई है मुझे, और जब भी मैं होश में रहता हूं तो मुझे उस रॉकी की कही हुई बात याद आती है, दर्द हो रहा है। कानून के हाथों से वो बच गया, लेकिन मेरे हाथों उसकी मौत होगी। अपने बेटे को कुछ भी करने की छूट देने वाली उस गॉड मदर को सबक सिखा के रहूंगा मैं जानता हूं कि मैंने काफी तकलीफें झेलकर अपनी जान की परवाह किए बिना उस कुत्ते कमीने को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया मैंने। न्याय देवी के उस मंदिर की कुर्सी पर बैठे न्याय देव की आंखों में धूल झोंक कर उस रॉकी को बचा के ले गया उसके वकील, ये मैंने खुद देखा। खुद देखा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि सच के गले में पड़ेगी माला और छूटी औरत का मुंह करूंगा मैं काला। ये मेरा वादा है। सत्य अहिंसा की मार्ग पर चलकर हम हिंसा को उखाड़ के फेंक देंगे। उस रॉकी की मां ने कोर्ट में छूटा गवाह पेश करके अपने बेटे को बाजत बरी करके ले गए, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। जब अन्याय सर उठाने लगता है तो उसके सर को कुचल के रखना ही हमारा फर्ज है। इस अन्याय से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो क्या है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अगर यही स्थिति रही तो कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा मैं? हैं? द होल सिस्टम इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है विजय। कंट्रोल योरसेल्फ अग्नि। ओए, प्लीज लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, द होल सिस्टम इज आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे पहचानते हो? रॉकी, गॉड मदर राबड़ी देवी का बेटा रॉकी। और इसे जानते हो? मेरे खिलाफ कंप्लेंट देने वाली जर्नलिस्ट संध्या। मस्त माल है ये लड़की, और आज इसकी इज्जत मैं तेरी आंखों के सामने लूटूंगा। ये देखो विधानसभा, मेरी माँ की आवाज से थराते हैं वहां के लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां देख वो है हाईकोर्ट। इस हाई कोर्ट में मेरी माँ फैसला करती है, ना कि जज। इतना जान ले तू, मेरी माँ के पैरों में गिर के अपने किए की माफी मांग ले, वरना खोपड़ी छल्ली कर दूंगा। तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को नहीं वर्ली के गटर में डाल दूंगा, इतना याद रख ले तू। सॉरी। सॉरी, तेरी मौत निश्चित है आज। देख, देख, इस विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि आते हैं, न कि तेरी माँ का कोटा जहाँ उसके फड़ुए आते हैं। हराम की औलाद, वहां देख,
ये हाई कोर्ट है न कि तेरी माँ राबड़ी देवी का ससुराल। यहाँ गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को न्याय मिलता है तेरी जात का। ओए, वाले के कटर में अग्नि की लाश नहीं तेरी लाश होगी। एमएलए एमपी और सारे मंत्रियों को यहाँ पर आना पड़ेगा। जानते हो मरने वाला कौन है? राबड़ी देवी का इकलौता बेटा। मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। अरे चाहे कुछ भी हो जाए सबको यहाँ हाजिर होना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? गॉड मदर सारी रात सोई नहीं। रॉकी की मौत से उनको बहुत सदमा पहुंचा है भैया। अब क्या होगा? अरे गॉड मदर आने वाली है। बकवास बंद कर। तू अपनी बकबक बंद कर। क्या करूं यार, अभी तक आई नहीं, आ गई तो किसी घर में। सर दिल्ली साहब के लिए फोन है। सारे सेल ऑफ कर दो। अगर किसी ने मोबाइल का स्विच ऑन किया उसकी खैर नहीं। बता देता हूं मरने वाला कौन है। रॉकी गॉडमदर का बेटा। सत्यप्रा और धर्मराज की आपस में बनती तो नहीं है, फिर भी एक दूसरे को देखकर नमस्ते कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दोनों कहीं आपस में मिल गए तो हमारी तो पुंगी बजा देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। पहले अपनी पतलून ऊपर कर। मैया हम सब तो आपके साथ हैं ना। आप धैर्य रखिए मैया, टाइम हो चुका है। कल रात मैंने तेरे बेटे को विधानसभा और हाई कोर्ट के बीच ठीक 11 बजे मैंने उससे मुठभेड़ में मार। किसी ने अगर मुझे ललकारा तो मैं उसे पल भर में भस्म कर देता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ पोलिस। विधानसभा और हाई कोर्ट के बीच बजे माने उससे मुठभेड़ में मार। अगर मुझे ललकारा तो मैं उसे पल भर में भस्म कर देता हूं। दिस इज द पावर ऑफ पोलिस। एक रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर होके तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत है। तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक कलंक हो। जरा पेपर उठा के देख, पुलिस को यूनिफॉर्म पहने हुए राक्षस गुंडा हैवान और ना जाने क्या क्या लिखा है। यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। ठीक है ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया वो गुस्से में आके किया, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख के दे दो हमें। यस, तुम्हें लिखना होगा। हाँ लिखना होगा। सर आप जो स्टेटमेंट चाहते हैं वो स्टेटमेंट मैं हरगिज लिख के नहीं दे सकता। अपनी जान बचाने के लिए मैंने गोली चलाई। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हमें तुम बेवकूफ समझ रहे हो। सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हाथ पांव पे गोली चलाता है, कनपट्टी पे गोली चलाता है और ना ही कंप्लीट मैगजीन को खाली करते हैं। You just see this postmortem report. तुम पुलिस के नियम और कानून के बारे में जानते हो मिस्टर अग्नि? जानता हूँ पुलिस के कानून और नियम को तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ मैं। लोग, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ ना कि कोई भगवान। जब उस रॉकी ने मुझ पे गोली चलाई तो जान बचाने के लिए मैंने भी गोली चलाई और तुरंत कंट्रोल रूम को इस बात की खबर दे दी। एम आई राइट? एब्सोल्युटली।
लेकिन उसे जान से क्यों मारा तुमने? उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो कोई दिवाली का खिलौना नहीं है सर, बल्कि प्रोफेशनल किलर्स के वेबलिन स्कॉट मैगन पिस्टल थे सर। सर कल रात मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया सर, और अगर अपनी जान बचाने के लिए मैंने गोली नहीं चलाई होती तो वो मुझे गोली से मार देता और मुठभेड़ में मैं मर गया होता। मेरी लाश को नेशनल फ्लैग से ओढ़कर चंद आंसू बहा के मुझे गॉड ऑफ ऑनर देख के सल्यूट करते, सल्यूट सल्यूट सर। खुद को बचाने और उस जनरल संध्या की इज्जत बचाने के लिए मैंने इसे शूट किया सर। ये झूठ है, क्योंकि राबड़ी देवी से तुम्हारी दुश्मनी थी। राबड़ी देवी क्या वो नेशनल लीडर या फ्रीडम फाइटर या सोशल वर्कर है? आफ्टर ऑल एक ब्रूटल क्रिमिनल की मां है वो सर। उस रॉकी के कई केस अभी स्टेशन में पेंडिंग है सर, स्पेशली रैपिंग एंड किडनैपिंग केस और उसे संबंधित फाइल है ये। प्लीज जब तक समाज में ऐसे क्रिमिनल्स रहेंगे तब तक समाज को हम सुधार नहीं सकते हैं सर। अगर उसने आपकी बेटी की इज्जत लूट ली होती तो आप क्या करते सर? मेरे सवालों को जवाब दीजिए सर। सर कम ऑन टेल मी प्लीज, टेल मी टेल मी टेल मी। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। देन मिस्टर अग्नि सो यू मे प्रोसीड। अरे भाई इस वक्त तो हमें फाइव स्टार होटल में होना चाहिए, वो सब छोड़कर हम यहाँ कब्रिस्तान में खड़े होकर भीग रहे हैं। कहीं हमें चिकन गुनिया हो गया तो हम क्या करेंगे? ऐसे समय पर बाजार से लाके पौवा भी नहीं पी सकते, बहुत ठंड लग रही है भैया। ओ अरे तो ईश्वर से प्रार्थना कर जल्दी यहाँ से चले। इंक्वायरी कमीशन ने जजमेंट अग्नि के पक्ष में सुनाया है। इस बात को सुनने के लिए क्या मैंने तुझे माटुंगा एरिया से बांद्रा ट्रांसफर करवाया? मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, उसने कमीशन के सामने बोल दिया सेल्फ डिफेंस के लिए ही उसने रॉकी पर गोली चलाई थी। कहिए अब मैं क्या करूँ? लाठी को मुंह में रख ले। सॉरी मैडम, मुझे तो सिर्फ आप ही का आशीर्वाद है, और अग्नि को कमिश्नर का आशीर्वाद है, सीएम का सपोर्ट है और जनता का भी सहयोग है। जिनको इन सब का सपोर्ट है उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानती हूँ तुझसे मुझे इसी तरह का जवाब मिलेगा, अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मैंने इन दोनों को बुलवाया है। ए! धर्मराज सत्य प्रकाश, ये नामुमकिन शब्द मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। सीएम पर हुकूमत चलाने वाली गॉड मदर हूँ मैं, राबड़ी देवी नाम है मेरा। सबको रबड़ी खिला खिला के सबका कचूमर बना के रख दूंगी मैं। अगर मैं कोर्ट पहुंच गई तो जज को भी अपना न्याय बदलना होगा। खादी और खाकी वर्दी पहने वाले हर कोई मेरी मुट्ठी में है। लेकिन आफ्टर ऑल सिर्फ 6 फुट का खाकी वर्दी पहनने वाला एक ऑफिसर बीच रास्ते में मेरे बेटे का खून करके मेरे ही घर पर आके मुझे ही चुनौती देकर चला गया। अगर आज मेरी ये हालत है तो कल तुम सबका क्या होगा? हम सबको एक होना होगा। तुम्हारी दुष्ट शक्तियों का सपोर्ट मुझे चाहिए। मुझे महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करना होगा, उस अग्नि का खून करना होगा। इससे हमें क्या फायदा होगा तुम लोग यही सोच रहे हो ना? धर्मराज तुम्हें ऑपोजिशन लीडर की पदवी से सीएम की पदवी दूंगी। सत्या तुम्हें मुंबई शहर का अंडरवर्ल्ड डॉन बना दूंगी। तुम लोग जानते हो ना कि मेरे मुंह से निकली हुई बात ब्रह्म वाक्य। उस पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म उतार कर उसका सर काट कर आपके चरणों में अर्पित करूंगा। मैं जो भी कहता हूँ करके दिखाता हूँ करके। जौन तेरा बेटा राखी को मारा उसका लाश हम इस आंगन में दफना दूंगा। हमका कसम है तुम्हारे सुहाग की। शाबाश, ये जोश यही क्रोध और ये बदले की आग ही मुझे चाहिए। मारना होगा, सिर्फ उसे ही नहीं उसके चारों ओर उसके गुरूर को भी जला के राख करना होगा। पहले हमें उसके सबसे अहम साथी
उस विजय को खत्म करना होगा। साहब साहब, धर्मराज ने विजय बाबू को मारने के लिए अपने किराए के गुंडे उनके ठिकाने पर भेजे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है। खोटी आवाज बंद। तुम लोग नहीं जानते हो इस विजय के बारे में। पहले यह बताओ मुझ पर कौन हाथ उठाएगा। जल्दी डिसाइड करो। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। जो भी मुझ पर हाथ उठाएगा उसके हाथ को काट कर फेंक दूंगा मैं। कम ऑन, आगे बढ़ो। अरे दादा, ये तो मर गया। एम्बुलेंस। मेरे ख्याल से यहाँ किसी की तबीयत खराब है, इसीलिए यहाँ एम्बुलेंस आई है। लगता है अपना टाइम ठीक नहीं है, इसीलिए एम्बुलेंस आई है। तुम यहाँ पर हो, फिर ये बॉडी किसकी होगी? हाँ दादा, वहाँ देखिए। सर, सर नहीं है सर। हे, उस तरफ देखो। नाम चीके अग्नि। मेरा ओरिजिनल गेटअप तैयार। गाड़ियां तैयार करो, अग्नि बच के भागना ना पाए। हमारे घर एम्बुलेंस भेजेगा? अरे साला वो अग्नि कबर में भी छुपा हुआ है ना, तो खोद के निकाल के टुकड़ा टुकड़ा कर को चील कौओं को खवा डालूंगा भाई। अरे तेरी बहन का बंडल हम सब नाचूंगा जब उसके घर उंडाओ का कब्रिस्तान खुद ब खुद जाएगा, अगर हम ऐसा नहीं किया तो। वरना हमका भोपू राज कहकर बुलाना। आया बात समझ में? ध्यान रहा, वो जहां कहीं भी हो उसका पकड़ के हमारा तीर लेके आना।
अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सचिन। सचिन की तरह क्रिकेट प्लेयर बनोगे या अपने बाप की तरह गुंडागर्दी करोगे? मैं आपकी तरह गुंडों को मारने वाला पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और थोड़ा डालो। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा देखो बहन, तुम तो साक्षात लक्ष्मी की तरह लग रही हो, लेकिन तुम्हारा पति धर्मराज एक नंबर का आवारा है, तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? उफ़ भैया, मैं तो कह कह के बिल्कुल थक गई हूँ। आप ही इन्हें पुलिसी अंदाज में समझा दीजिए। भैया मैंने पुलाव बनाया, लेकर आती हूँ। अरे अरे, अरे डोंट डिस्टर्ब। अग्नि नाम है, उम्र 36 साल, रैंक डीसी भी क्राइम, ये पुलिस डिपार्टमेंट ही मेरे लिए माँ बाप भाई बहन, बेगुनाह को न्याय दिलाना ही मेरा फर्ज है। एड्रेस केयर ऑफ महाराष्ट्र, बैकग्राउंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और हॉबी है हाथ मिलाना, और गुनाहगार के हाथ को तोड़ के रखता हूँ। हाथ में दम नहीं, और खुद को तुम मर्द कहते हो। अरे इससे बेहतर होगा कि तुम चुल्लों पर पानी में डूब के मर जाओ। जेब में नहीं धागा और रामचंद्र भागा। तेरे जैसे कई चिरकुट गुंडे जो लोगों के लिए सदस्य बन गया था, जैसे सुभाष पांडे, शंकर बेंद्र, अशोक कुमार, बी के शिवराम, इन सबका पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर डाला। और उसी महाराष्ट्र पुलिस का डीसीपी हूँ मैं भी, बी के फोर। ज्यादा ना फैला रे। ये गीदड़ भपकी किसी और घूसखोर अफसर का दे, हमरा ताकत का अंदाजा नहीं है तुमको। ताकत, ताकत क्या जानता है तू? तू जानता तो ताकत के बारे समझा रहा है मुझे। अगर मुझ में जरा सी भी ताकत नहीं होती तो आज मैं तेरे घर नहीं आता, और तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी के हाथों से खाना नहीं खाता, और ना ही तेरे बेटे के साथ प्यार से बातें करता। इसे कहते हैं ताकत। हमारे घर में हमका ही तू आके धमका रहा है। गुंडे गलती करते तो प्यार से समझाता हूँ, पुलिस गलती करे तो कमिश्नर से पूछता हूँ, स्टूडेंट गलती करे तो कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछता हूँ, सिटीजन गलती करे तो पब्लिक से पूछता हूँ। मेरा स्टाइल है अग्नि, आई एम अ टफ पुलिस ऑफिसर। तमीज से बात कर, वरना वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए तेरा नाम कटवा के रख दूंगा मैं। And this is the last and final warning. Good evening, sir. Mr. Vijay, time क्या हुआ? 9:30 बज रहे सर। सुबह और शाम का अंतर नहीं मालूम तुझे, और तू गुड इवनिंग कर रहा मुझे। जो भी बोलना है तो हिंदी में बोल। सलाम साहब, मेरा नाम सत्य, अलियास सत्य प्रकाश। राजन के साथ मिलकर बेबस लड़के से धंधा करवाते हो ना तुम? नहीं नहीं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है सर। देश दिखाओ, आंध्र तमिलनाडु केरल से खूबसूरत लड़कियों को फास्ट कर यहाँ के भेजता है तू। वीडियो गेम, मसाज पार्लर, लाइव बैंड, मटके का धंधा, इलिसिट लिकर और ड्रग भी सप्लाई करते हो तुम। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र भू माफिया के सरगना भी हो तुम। इतना ही काफी है, और भी बताओ। बिल्डरों से रंगदारी वसूलने में तू माहिर है, वो धर्मराज तेरा 50-50 का पार्टनर है, राबड़ी देवी तेरा बैकबोन। सर वो सब काम मैंने छोड़ दिया है सर। अच्छा, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा, तेरी रिसेंट क्राइम फाइल को ओपन करूं क्या? विजय, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007। गुंडाई समेत तू अभी बच्चा है, तेरे कितने सीनियर साथियों को मैंने मुठभेड़ में मारा है जानता है तू? तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी सत्या। एक और बात सुन ले, गुंडागर्दी के सहारे जितनी जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी नीचे भी गिर जाओगे। जो खुद को 30 मार्का और शहर का नंबर वन दादा समझता है, वही अबू सलेम, उसी को हमने बख्शा नहीं तो तू किस खेत की मूली है ये तो बता। दहशत फैलाने वाले गुंडों को हमने मौत के घाट उतार दिए हैं, तेरा क्या इरादा है? चॉइस इज योर्स, यू गो एंड डिसाइड नाउ, जस्ट गेट आउट। आउट सत्यो, रिमेंबर, तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। आगे कुआं पीछे खाई, कहां फंस गया रे भाई? ठीक है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो अग्नि? सर, शहर के तीन नामी गुंडे, वो गॉडमदर राबड़ी देवी, धर्मराज और सत्य प्रकाश,
इस शहर में आतंक फैलाने के लिए ये तीनों एकजुट हो गए हैं। इस शहर की शांति को भंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वे। कानून व्यवस्था चरमरा गई तो फंसेंगे आप, और मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। इस उलझन को मैं सुलझाऊंगा सर। वो कैसे? इनका जवाब हम पत्थर से देंगे। अपराधी मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। हाउ अग्नि? नो FIR, नो अरेस्ट, ऑन द स्पॉट जजमेंट, एनकाउंटर। क्या? अगर आप परमिशन दे देंगे तो आपके सोचने से पहले ये काम को अंजाम दे देगा। यस सर, हुक्म कीजिए। हमारी डिपार्टमेंट की ओर से आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है सर। अगर इनको यूं ही छोड़ दिया तो इस शहर में सनसनी फैल जाएगी और जिम्मेदार आप होंगे सर। सर प्लीज गिव मी परमिशन टू स्टार्ट एन एंटी क्रिमिनल स्क्वाड। सुनो कमिश्नर, हमारी सरकार साये की तरह तुम्हारे साथ है। यू कैन प्रोसीड। मिस्टर अग्नि, ऑल द बेस्ट। सो सर, आई एम नंदीश कुमार फ्रॉम बांद्रा, स्पेशलिस्ट इन बॉम्ब स्क्वाड। अशोक राय फ्रॉम झुमरी तलैया, ब्रिलियंट शार्प शूटर। I am Kulbhushan from Kolkata, master in interrogation. I am Bharat Patel from Chinchpokli sir, kickboxing mein gold medalist. Officers, get ready for the attack. मेहमान, क्यों बे, क्या बात है? तुझे अरेस्ट करने के लिए मैं हथकड़ी लेके आया हूँ। गलती होगी भैया, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आपके पैर पकड़ता हूँ, एक बार मुझे क्षमा कर दो। विजय सर, go to Crawford Market area immediately. Okay. कौन है तो? अग्नि। तू ही मेमन है ना? टाइगर मेमन। टाइगर? हाँ, नाम तो टाइगर का है लेकिन देखने में चूहा लगता है रे। पता नहीं किस बेवकूफ ने तुझ जैसे चूहे को टाइगर नाम दे दिया है। Hey, पुलिस। Yes, पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस। तो टाइगर मेमन है या मेमना, तुझे टपकाना ही मेरा काम है। तो खुद को भाई का आदमी समझता है रे? तबे से बात कर मेमने, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। Hey, मैंने तेरे कुत्ते का क्या हल किया देखो। Hey, अग्नि, अगर तू वाकई मर्द है, तुझ में मर्दानगी है, तो इस कुत्ते को मुझसे बचा कर ले जाओ, नहीं तो इसी वक्त तेरे सर का मुंडन करके, मुंह पे काली पोथी लगा के, गधे पे बिठाकर सारे शहर में चक्कर लगवाऊंगा। अग्नि, एक सेकंड के लिए मैं जरा आराम करता हूँ। पुलिस वालों से पंगा रहता है। चुहा कहीं क्या? हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता है उसे तोड़ने के लिए आया है तू। इस पाक धरती पर रहने वाले हर मुसलमान पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं और खुदा से देश की दुआ मांगते हैं, और तू अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ के मुसलमान भाइयों के मन में आतंक के बीज बोना चाहता है। क्यों बे,
तो क्रॉफर्ड मार्केट को अपने बाप का मार्केट समझता है? यहाँ के भोले वाले लोगों को डरा धमका के पैसा वसूलना तेरा काम है ना? तो इसे बहादुरी का काम समझता है? और बलहीन पुलिस वालों पर रौब जमाता है तो? विजय। यस सर। देखा, ये है हिंदुस्तानी पुलिस। तुझे गिरफ्तार करके अंदर डाला तो तू बच जाएगा। फैसला ऑन द स्पॉट। मुख्यमंत्री डाउन डाउन, मुख्यमंत्री डाउन डाउन, अग्नि डाउन डाउन, मुख्यमंत्री डाउन डाउन, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अग्नि डाउन डाउन, अग्नि डाउन डाउन, अग्नि डाउन डाउन। आज शांत हो जाइए, आपकी समस्या क्या है? ए, ये समस्या नहीं, आंदोलन है। यहाँ नहीं, दिल्ली तक जाएगा हमारा आवाज। सिर्फ सिटी के गुंडों को ही इनकाउंटर में मार रहे हैं। ए मुख्यमंत्री, खाकी से पूछो। इनकाउंटर के बहाने दलितों के, हरिजनों के और पिछड़ा वर्ग का ही खून क्यों बहा रहे हैं? मिस्टर धर्मराज। अग्नि। सर प्लीज, जात पात के नाम पर दंगा फसाद करवाना तेरा काम है, न कि हम पुलिस वालों का। मंदिर मस्जिद के नाम से हिंदू मुसलमान भाइयों को किसने भड़काया? तूने। बिहार में ब्राह्मण और यादवों के बीच, यूपी में ठाकुर और दलितों के बीच, गुजरात में हिंदू और मुस्लिम भाइयों को किसने भड़काया? बोल। हमारे मुंबई शहर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देकर भोले भाले मासूमों को किसने मरवाया? बोल। तूने। वोट के खातिर नोटों के बंडल देकर विधानसभा के कुछ विधायकों की सहायता से तूने, तुझे वोट देने वाले उन मासूम जनता की भूमि को अपने कब्जे में करके उन्हें घर से बेघर किसने किया? बोलो। मजबूर एवं बेबस लड़कियों को यूएसए और यूएस में नौकरी देने का वादा करके उनकी इज्जत से खिलवाड़ किसने किया? तूने या मैंने? बोल कमीने, बोल। ए, तुम वर्दी का धौंस हम पर जमाते हो? ये मुख्यमंत्री कमिश्नर, इनका दम पर ही आज तू उछल रहा है ना? इनकी सरकार को चुटकियों में गिरा दूंगा और हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। तुमको घर का वॉचमैन बना दूंगा और ये कमिश्नरवा को घर का कांस्टेबल बना दूंगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सका तो ना हमारा धर्मराज नाम नहीं, गांठ बांध लो। किसके इशारे पर उछल रहा है तो? उसी राबड़ी देवी के इशारे पर चल रहा है ना? आ? वो खुद को गॉड मदर समझती है तो हम गॉड फादर है उसका। शहर में आतंक फैलाकर वर्तमान सरकार को डिसमिस करवा के तुम जैसे फड़ुए को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का जो सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होगा। तेरे जैसे दोगले इंसान को सीएम की कुर्सी चाहिए, सीएम की कुर्सी? अबे अकल के अंधे, तू मुझे समझा रहा है? तू मुझे वॉचमैन बनाएगा तो? बड़ा बेशरम है, हम पर ही निशाना साध रहा है। उसका आवाज डीटीएस का माफिक कानों में गूंज रहा है। लगता ही हमको निपटा कर ही दम लेगा। कहीं ये अग्नि हमको तो अग्नि नहीं देगा। ए, मैंने तुझे परमानेंटली ऑपोजिशन पार्टी में बिठा के रखा हुआ है और तू उसके सामने बार बार खड़ा होता है। तूने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अग्नि को मौत की परवाह ही नहीं है। टीवी खोलो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सुर्खियों में सिर्फ अग्नि अग्नि है। क्या कर सकता है? जब तक सीएम और कमिश्नर उस पर मेहरबान हैं, हम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, ओके। हेलो सर, सीएम ने कमिश्नर को ऑर्डर दे दिए हैं सलीम राजा का इनकाउंटर करने के लिए।
Can I get a hire? क्या? Oh, sorry. Hire क्या कहा? जाना है. किसके घर? बुलंदशहर के शंकर नेगी के घर. शंकर नेगी? घर में बोल क्या है क्या? चल जा हवा आने दे. तुम? अरे जाना. माँ की एक चाय देना. नमस्ते दादा. दादा डोंबिवली का दादा. ऊपर उछालना तो शत्रुघ्न का स्टाइल है, ये आपुन का स्टाइल. अरे आपुन एक बार बोला ना, सौ बार बोलने का बराबर है. नमस्ते भाई. नमस्ते. चलोगे? उठे जाए चाय. बुलंदशहर के शंकर नेगी के घर. बुलंदशहर का शंकर नेगी के घर जाना है, किसी भी रोगी का घर जाना है, आपुन ले जाएगा. एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस. ये शत्रु एवर रेडी. गेट इन. दादा हा? एक शक है. क्या? बुलंदशहर के शंकर नेगी के नाम से लोग कांपते क्यों हैं? शहर में नए हो क्या? हाँ. शंकर नेगी को जानते हो क्या? नहीं. तुमको उसने बुलाया क्या? नहीं तो. परमिशन है क्या? नहीं तो. हम पाकिस्तान बॉर्डर थोड़ी जा रहे परमिशन लेने के लिए. पाकिस्तान बॉर्डर में परमिशन की जरूरत नहीं है साहब, लेकिन शंकर नेगी से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है साहब. अगर परमिशन बिना घुस गए तो लौट नहीं सकते साहब. मेरठ के कबीर नेगी, आगरा के शबीर नेगी, रांची के रवि नेगी, इन सब से पावरफुल है बुलंदशहर के शंकर नेगी. मारने वाले कौन है जानते हो? शंकर नेगी के गुंडे. और मार खाने वाला बंदा शंकर नेगी का दुश्मन. ये है बुलंदशहर के नेगी का ट्रेलर. पूरी फिल्म देखना चाहते हो? अब चलो. आता जाए चाहे क्या? बुलंदशहर. साहब एक फोन कराए चाहे. जरा बसा. नेगी साहब अपन ने उसको बहुत समझाया लेकिन साला समझने को तैयार ही नहीं हो रहा है. मामला फिक्स कर डाले लाए. धमाका सुनो. ये धमाका सुनो. उसने एक झापड़ मारा, वो भी 100 झापड़ के बराबर. उस कुत्ते की ये मजाल, हमको पकड़ने के लिए हमारे ही आदमी से हमारा पता पूछ रहा है. वो कुत्ता हमसे टक्कर लेना चाहता है. इस बुलंद शहर के नेगी की बुलंद आवाज सुनकर बड़े बड़े भी मुंह देते हैं और औरतों के गर्भ गिर जाते हैं. कुएं का पानी सूख जाता है, दरक जमीन पे ढह जाता है. ठीक है, मैं देख लूंगा. कौन है वे? पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस. यहां आने की जरूरत कैसे हुई? मेरे आदमियों की नजर चुरा के मेरे घर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है तू? ये तेरा गढ़ नहीं, शेर की मांद है. अरे चुप कर. विदाउट परमिशन पाकिस्तान जाके दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ के लाने की हिम्मत रखता हूँ मैं. खबरदार खबरदार. खामोश, जुबान को लगाम दो. इसके आगे एक भी लफ्ज बोला तो काट के रख दूंगा. आईपीएस ऑफिसर काट डालो. Oh!
विजय इसे महाराष्ट्र ले चलो। यस सर। ए, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अग्नि उस कबीर नेगी को यहाँ लेकर ना आने पाए। वो सरकारी गवाह नहीं बनना चाहिए, सच नहीं बोलना चाहिए, अगर बोला तो खत्म, खेल खत्म, मरना होगा, आने से पहले ही उसे मरना होगा। अग्नि को भी टपका दो और जो कोई भी तुम्हें मारने आएगा उसे भी टपका दो। मैं जाऊंगा। अरे हम जाऊंगा। मुंह बंद करो। हाँ, तुम लोगों से नहीं होगा, तुम्हारी हैसियत क्या है मैं जानती हूँ। अब इस राबड़ी का पावर देखो। हाँ। रोको। मैंने उसे मार दिया क्योंकि इसने तेरी बेइज्जती की।
तेरी बेइज्जती की इससे मैंने उसे मार दिया। नहीं, मुझे माफ करना। अग्नि, अग्नि मुझे माफ करना। विजय, 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 ब्लैक टाइगर। तुम्हारे जिगरी दोस्त विजय को मौत की नींद सुलाने वाला और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर। हाँ, यस। जिस ब्लैक टाइगर को फांसी की सजा हुई थी उसे याद देखकर तुम चौंक गए हो ना? मरहूम ब्लैक टाइगर को जिंदा सामने देखकर होश उड़ गए ना? नामुमकिन को मुमकिन करना ही मेरी स्टाइल है। आए, अगर तू लॉ मेकर है तो मैं लॉ ब्रेकर हूं। मैं चाहूं तो इसी पल खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तेरी हॉबी है ना मुठभेड़ के बहाने क्रिमिनल्स को दौड़ा दौड़ा के तड़पा तड़पा के मारना। तेरी मौत की खबर सुनकर, तेरी लाश को देखकर कोई भी इंसान सपने में भी पुलिस में भर्ती होने के बारे में नहीं सोचेगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस वालों को तो मैं कीड़ा मकोड़ा समझता हूं। नाउ द रियल वॉर स्टार्ट्स। ब्लैक टाइगर। तूने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज़ है विजय। और जब भी मैं अपने आप से पार होता हूं तो तुम मुझे काबू करते थे यार। तुम्हारे लक्ष्य को मैं पूरा करूंगा, मुझे अपनी दोस्ती की कसम। उस आतंकवादी ब्लैक टाइगर को मैं उसके ठिकाने पर जाकर मार के आऊंगा मेरे दोस्त, तभी मुझे तसल्ली होगी और तुम्हारी आत्मा को शांति। मुझे हमारे दोस्ती की कसम मेरे दोस्त। इट्स अ प्रॉमिस। अग्नि, ब्लैक टाइगर ने विजय और हमारे आदमियों को, इम्पॉसिबल, वो तो मर चुका है। नो सर, ब्लैक टाइगर जिंदा है। व्हाट? यस सर, उस आतंकवादी को मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। He is not dead, he is alive. अनबिलीवेबल। अच्छा अग्नि, क्या आदमी मर के दोबारा जिंदा हो सकता है? इम्पॉसिबल। सिर्फ आप ही नहीं सर, मेरी बात का यकीन किसी को नहीं होगा सर। उसे फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी हो भी गई थी, मगर उसे नहीं, उसकी जगह किसी बेगुनाह को फांसी की सजा दी गई, यही सच्चाई है सर। और मैं जानता हूँ कि मेरी बात को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है सर। आई एम कंफ्यूज्ड आई से, लेकिन उसे तो फांसी दी गई थी। प्लीज, ये आर्गुमेंट करने का वक्त नहीं है सर। सर, मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आपको मुझ पर और मेरे उसूलों पर पूरा यकीन हो तो प्लीज गिव मी स्पेशल परमिशन टू रीओपन ब्लैक टाइगर्स फाइल इमीडिएटली।
Sir, every fraction of second is valuable for me, sir. Sir, please, 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 please. Okay. Permission granted. I will prove it. Send this skeleton to lab and get me the report immediately. Okay? Yes, yes, sir. Le jao use. Namaste, sir. Namaste. Namaste. बैठिए. तुम्हारा केस क्या है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सर. चाहे जितना भी खर्च हो जाए सर, लेकिन इस केस को आप ही हैंडल करेंगे. केस हिस्ट्री क्या है? सोबरज नामक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी. पुलिस इस केस को रीओपन करना चाहती है. कौन है वो व्यक्ति? ब्लैक टाइगर. चल, कम ऑन, मूव. क्यों बे, तू ही रणवीर है ना? क्यों बे, दिखता नहीं? मैं ही हूँ रणवीर. क्या काम है? अब तक तूने कितनों को टपकाया है? तकरीबन 400 लोगों को. क्या तुम्हें यकीन है 400 लोग मर चुके हैं? लटकाते हैं मारने के लिए, लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रहा है? कोई तो बच गया होगा. कौन है वो? शोभराज. कमाल 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 कमाल. ओ, मिस हो गया. मिस्टर अग्नि, ये सब क्या है? ब्लैक टाइगर का डेथ सर्टिफिकेट. इसके जरिए उसकी जन्म कुंडली हासिल करने के लिए आया हूँ मैं. मिस्टर अग्नि, बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हें कॉर्पोरेशन ऑफिस में मिलेगा. ये कॉर्पोरेशन ऑफिस नहीं है. रियल बर्थ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन ऑफिस में मिलेगा, ये मैं भी जानता हूँ. उसे मुर्दा साबित करने वाला तू ही है ना? तुझे नहीं लगता आज मैंने तुझे बुरी तरह फंसा दिया है? What do you mean? I mean what I say. मंगलवार, December 24th, 2006, early morning 5:30, ब्लैक टाइगर को फांसी दी गई. फांसी देने के बावजूद भी वो मरा नहीं. Hey, hey, hey. उसकी मौत का सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है. उसकी चिता को आग देने वाले मरे नहीं, जिंदा है. वो मैं भी जानता हूँ, और ये है उसकी रिपोर्ट. बट उस कब्र से हमने ब्लैक टाइगर का जो स्केल्टन निकाला, वो ब्लैक टाइगर का नहीं, किसी और का है. उसे संबंधित रिपोर्ट है ये. लुक, हाइट, वेट, चेस्ट, वेस्ट, सब कुछ मेल खा रहा है, बट बायोलॉजिकली कुछ मेल नहीं खा रहा है. नो, आई वांट द डिटेल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द होल एपिसोड विद इन नो टाइम. इस वक्त तू राष्ट्रीय झंडे के सामने सर झुका के खड़ा हुआ है. सच्चाई छुप नहीं सकती लाख छुपाने से. मेरे सवाल सुनकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इससे मैं क्या समझूं? तुझे डर है, टेंशन है, तेरा जमीर तुझे कोस रहा है. बोल बोल. ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स. सच्चाई तू बताएगा या बताने के लिए मजबूर करूं मैं? ए, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ बांद्रा साउथ के डीसीपी हो, लेकिन सारे महाराष्ट्र के डेडली क्रिमिनल्स और नोटोरियस गुंडों को काबू करने वाला एकमात्र मैं जेलर हूं. अगर तू ब्रिलियंट है तो मैं क्रिमिनल हूं. तेरा लेक्चर सुनने के लिए सरकार मुझे पगार नहीं देती है. कुछ पल्ले पड़ा क्या? Yeah.
स्टॉप इट, स्टॉप इट। कम ऑन टेल मी द ट्रूथ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। ब्लैक टाइगर को भगाने में मदद क्यों की? बोलो बोलो। अगर कुछ छुपाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं, सच बोल, नहीं तो चोरों की खोपड़ी छलनी कर दूंगा मैं। ऑन द स्पॉट जजमेंट, मेरे स्टाइल से वाकिफ हो ना, बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ। उस दिन मैंने ब्लैक टाइगर की जगह किसी और को फांसी दी थी और उसे एम्बुलेंस में बैठाकर भगा दिया गया था, जिसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। इस तरह कानून की नजरों में ब्लैक टाइगर मर गया। ब्लैक टाइगर इज नॉट डेड, दिस इज डुप्लीकेट ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर इज अलाइव। What a beautiful plan! सरकार से पगार लेते हो और ब्लैक टाइगर की गुलामी, कानून के, न्याय के, धर्म के रखवाले होकर तुम लोगों ने कानून की नजरों में धूल झोंक दी। पैसों के खातिर जिस मां ने तुम लोगों को जन्म दिया, उस मां को उस ब्लैक टाइगर के हाथों बेच दोगे क्या? बोलो बोलो। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। किसके कहने पर तूने ये काम किया है और इसके पीछे किस शातिर अपराधी का दिमाग है? टेल मी फास्ट। मेरे सारी फैमिली को जान से मार डालने की फोन पे धमकी दी गई। किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे फोन पर धमकी दी कि अगर उसे मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे भी इन सब के साथ जान से मार डालेगा। इन सब के पीछे किसका हाथ है ये मैं नहीं जानता। आप जैसा समझते हैं वैसा मैं नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये सब मुझे मजबूरन करना पड़ा और कोई चारा भी नहीं था। कौन है वो अनजान व्यक्ति? उसे देखने का कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन पीछे से कोई औरत निर्देश दे रही। गॉड मदर। मैं धर्मराज वल्द चाणक्य राज, मैं धर्मराज वल्द चाणक्य राज, ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता कि मैं भारतीय संविधान के नियमों का, यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय संविधान के नियमों का निष्ठा से पालन करूंगा और मुख्यमंत्री पद की, निष्ठा से पालन करूंगा और मुख्यमंत्री पद की प्रतिष्ठा एवं गोपनीयता की, प्रतिष्ठा एवं गोपनीयता की मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा, मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। भूख लगी होगी, आ मैं परोस देती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। छोटे बच्चों की तरह जिद करके नाराज नहीं होते, आओ। भूख नहीं है अग्नि, मुझ पर और खाने पर क्यों नाराज हो रहे हो? यस, मैं नाराज हूँ। हर चीज से नफरत सी हो गई है मुझे। इंसान की चादर और कर इस राज्य की भागदौड़ संभालने वाले उस नीच कमीने कुत्ते धर्मराज से नाराज हूं मैं। पैसों के बलबूते पर उसने विधायकों को खरीद लिया। लोकतंत्र से नफरत सी हो गई है, आई मीन इंडियन डेमोक्रेसी से सख्त नफरत सी हो गई है कि एक गुंडे को मुख्यमंत्री पद का भार सौंपा है। डेमोक्रेसी, माई फूट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
डैमेज डैमेज। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ना ही हमारा फर्ज है माँ, लेकिन जहां भी देखो अन्याय ही अन्याय हो रहा है। सर, क्या मैं भी? आश्चर्य हो रहा है सर, आपकी सरकार को डिसमिस करके धर्मराज जैसे गुंडे को सीएम बना दिए गवर्नर ने। फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। आपका गम मैं समझता हूँ सर। नो 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 नो, मुझे पदवी जाने का कोई गम नहीं है। मैं उस जनता के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने वोट देकर मुझे अपना सीएम बनाया है। सर, आप जनता के लिए अत्यंत चिंतित हैं, क्योंकि आप जनता के शुभचिंतक हैं और निष्ठा से काम को अंजाम देते हैं। दुर्भाग्य, हम और अग्नि अब आपके साथ आगे नहीं रह सकते। सर, यस, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड। व्हाट? हैरान क्यों हो? ये सब तो राजनीति में चलता है। सर, मुझे अपनी वर्दी की कसम, आप दोनों को फिर से मैं उसी पद पर बिठा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। यस, इट्स अ प्रॉमिस। सर, जब तक ये जाबाज अग्नि है, लाइन ऑर्डर कायम रहेगा और आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट। सर, बधाई हो सर। थैंक यू सर। ये सब यहाँ के हैं एंटी क्रिमिनल स्क्वाड। नंदीश कुमार, कुलभूषण, भरत पाटिल, अशोक राज। सर, इन्हें जानते हैं? ये हैं इन सब के लीडर, मिस्टर अग्नि। हाउ आर यू मिस्टर अग्नि? आई एम फाइन सर। जनता और मीडिया के नजरों में तुम एक सुपर कॉप होना मिस्टर अग्नि। ड्यूटी में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, इसलिए लोग मुझे सुपर कॉप कहते हैं। सर, यस सर, ओके सर, भेज देता हूँ सर, इसी वक्त भेज देता हूँ सर। ओके सर। मिस्टर अग्नि, उस ब्लैक टाइगर से संबंधित फाइल्स को लेकर तुम इमीडिएट सीएम को रिपोर्ट करो। क्या कहा, सुना नहीं? सुपर डॉग अग्नि। अरे जुआरी, याद है तुमको हम बोला था, एक कुर्सी पर हम बैठ के दिखाऊंगा और ये हाथों से तुम हमका सलामी दोगे, भूल गया क्या? मिस्टर धर्मराज, मैंने तुझे सल्यूट नहीं किया, तुम्हें शायद गलती हो गई, मैंने राष्ट्रीय ध्वज को सल्यूट किया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कुर्सी तो स्थाई है लेकिन तू अस्थाई, कभी भी तुम्हारी सरकार गिर सकती है। ए अग्नि, अपनी औकात में रहो, तुम तो सिर्फ चपरासी हो, हम हूं तुम्हारा मालिक, अब कछु नहीं उखाड़ सकते। मैं जनता का सेवक हूँ, तेरे बाप का नहीं, तेरी सेवा तो कभी नहीं करूंगा मैं। खोटी आवाज नहीं, अगर मैं आवाज करूं तो टट्टी निकल जाएगी तेरी। कौन सी फाइल चाहिए बोलो? वो ब्लैक टाइगर फाइल तैयार हो गई। देव 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 देव। कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर धर्मराज, तूने तो सिर्फ इस कागज को ही फाड़ा है, लेकिन इतना जान लो कि कागज के फाड़ने से कुछ नहीं होगा मिस्टर धर्मराज, क्योंकि जेल और लॉयर रणधीर सब मेरी कस्टडी में है। तेरी दाल नहीं गलेगी, इनके साथ तू भी जरूर फंसेगा। उन चारों के साथ तुझे जेल की हवा ना खिला दी भड़ुए। क्या कहा, क्या कहा? आ, भड़ुआ कहा? इस धर्मराज को, इस राज के मुख्यमंत्री को भड़वा बोला तुमने? अबे वो खुजली वाले कुत्ते, तुम तो हमारा गुलाम है, गुलाम। इतना याद रखना कमीने, इस पवित्र कुर्सी पर जो भी बैठता है उसकी सेवा करना मेरा फर्ज है। तेरी तो हाथ उठा, वरना थोपड़ा बिगाड़ के रख दूंगा मैं, और बाहर किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। ए अग्नि, मुझे मारा,
मुख्यमंत्री को मारा तुमने? मैंने मुख्यमंत्री को नहीं मारा, एक देशप्रेमी होने के नाते मैंने एक देशद्रोही को मारा, दैट्स ऑल। राज, तेरे मुंह से सच्चाई उगलवाकर तुझे और तेरे साथियों को उम्र कैद की सजा दिलाकर येरवाड़ा जेल नहीं भिजवाए तो मेरा नाम कुछ और रख लेना। तो जय महाराष्ट्र। ब्लैक टाइगर? यस यस यस। तुम लोगों को बचाने के लिए ब्लैक टाइगर पुलिस के अवतार में आया है। तुमने तो आकर हमें बचा लिया, लेकिन उस अग्नि से तुम्हें कौन बचाएगा? ब्लैक टाइगर, अनजाने में हमसे गलती हो गई। अग्नि के आग ने हम सबको जला दिया ब्लैक टाइगर। ये वक्त रोने गिड़गिड़ाने का नहीं है। तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे अगर और खून करने पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन तुम लोग, हमसे गलती हो गई, प्लीज। नो नो, पर तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं। आई एम सॉरी। अग्नि, इन लोगों के जुर्म फंसाने के लिए ही मैं इस घर में आया हूं। कैसा रहा मेरा प्लान? अच्छा है ना? Like this dress. Robert, पकड़ो उसे। उठाइए ना सर, प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, प्लीज फोन उठाइए सर, गॉड प्लीज फोन उठाइए। संध्या, रोहित मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ खर्जत के पास एक बंगला है, मैं वहीं पर ही हूँ। रोहित प्लीज प्लीज जल्दी आओ, रोहित मेरी मदद करो। अग्नि सर, मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ पे खर्जत के पास जो बंगला है, मैं वहीं पर ही हूँ। अग्नि सर, मेरी मदद करो। ओए, रुक जा। ओए सर, स्टॉप दैट। अग्नि सर, संध्या, 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 संध्या। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, इसकी जान बचाइए डॉक्टर, प्लीज, प्लीज डॉक्टर, अब, डॉक्टर। सर संध्या, डॉक्टर, सॉरी मिस्टर अग्नि, नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, संध्या, संध्या, कुछ तो बोलो संध्या, नहीं, नहीं संध्या, नहीं संध्या, गेट अप, संध्या, प्लीज, गेट अप। सर, हमारा प्लान कामयाब हो गया। वो जर्नलिस्ट संध्या मेरे सामने ही दम तोड़ दी। मिस्टर अग्नि, आखिरी गवाह को भी तुमने खो दिया, अब मेरा क्या उखाड़ोगे? ये ब्लैक टाइगर है, ब्लैक। No! Yes, you are unfit to be a police officer. ये क्या हो रहा है? तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आवेश, तुम्हारी मूर्खता, what is all this nonsense? तुम्हारी वजह से
हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया के सामने सर झुकाने की नौबत आ गई। What do you think of yourself? Are you a police officer or a dictator? तुमने शक के आधार पर शोभराज उर्फ ब्लैक टाइगर के केस को इन्वेस्टिगेशन करने वाले चार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके उन्हें अपनी हिरासत में रखा और उन चारों अफसरों को बुरी तरह हैरास करके टॉर्चर किया। अपने दोस्त की मौत से बौखलाकर तुमने उन चारों के साथ ऐसा सुलूक किया और ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उन चारों के बदन पर तुम्हारी बेल्ट, तुम्हारे बूट और तुम्हारे घूसों की खरोचों के निशान गवाही देते हैं। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी ज्यादतियों ने मीडिया की जर्नलिस्ट संध्या को भी नहीं बख्शा। सो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अग्नि, यू आर सस्पेंडेड। नहीं, अग्नि का कोई सस्पेंड नहीं करेगा। हमारा स्टेट में अग्नि जैसा नेक कोई दूसरा पुलिस अफसर नहीं है। लोगों से डर, शांति, आजादी छिन जाएगी, ये खातिर सस्पेंड नहीं करेंगे। ये घोर अन्याय है मिस्टर डीजीपी। ये केस को हम तुरंत सीबीआई को सौंप देंगे और जब तक फैसला नहीं आता, इस अग्नि को इस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी हम अपने घर में सिक्योरिटी अफसर बनाकर रखेंगे। खाब नहीं, सीएम का ऑर्डर है। स्वागत अग्नि, सुस्वागत। फाल्को, अग्नि का गार्ड आप हानर दो। गार्ड, इन्हें गौरव पुनर दे दो। ये मुआयना करने के लिए है, इन्हें सैल्यूट करो। वेलकम अग्नि, वेलकम, तोहरा स्वागत है। ये सब कौन है जाना था का? मिलन अलियास बुरबुरिया, मुन्ना खान, विलियम जान, यगजराज, सबीर खान, तिनसुकिया के बरुआ, धनराज पांडे, टाइगर अलियास रसूल, फाइटर पीटर। डेट ऑफ बर्थ किसी का मालूम नहीं। एड्रेस केयर ऑफ ई धर्मराज। और धंधा लूटपाट, फिरौती और रंगदारी। बैकग्राउंड अंडरग्राउंड। ये सब का तुम अरेस्ट किया था, लेकिन ये सब हमारा चेला है। अब हम इनका परमिशन देगा तो एक झटकन में तुमका माटी में मिला देगा। इतनी शानदार पार्टी है, लेकिन किस लिए है? तमाशा दिखाता हूँ, देख ले। ओए, घोर के क्या देख रहा? अग्नि, अग्नि। ओए, एक बियर तो लाना। तेरी ये बजाल, अग्नि से बियर लाने के लिए बोल रहा। ओए, विजय, now he is serious. Take him to hospital. Tension. Hey Satya. Hey Dharma. इन सबको पार्टी में क्यों बुलाया? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। Hey yo. Hey Satya. Dharma. I expect respect. Hey, I know whom to respect and whom not to respect. Don't try to teach me. Agni, Agni, Agni. Hey, clear from here. Clear. Hey, you also. Hey, Har Maiya ka. Sir, मैं एक mimicry artist हूँ और साथ में आपका fan भी। इस देश में जहाँ भी function होता है तो मैं भाग लेने के लिए वहां जाता हूं सर। आज इन सब का मन बहलाने के लिए मुझे आपकी तरह बोलना पड़ा सर। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। सत्या, गाड़ी के फेंक दो उसे।
मुझे कुछ हुआ तो इतना समझ ले पुलिस तेरी जान ले लेगी। बेटे पुलिस राज को एकदम भूल जाओ, आज से गुंडा राज चलेगा तेरी। धर्मा धर्मा। हाँ फिनिश। हाँ अरे ई का, तूने तो पुलिस का कुत्ता का काम तमाम कर दिया। यस, यस। जब अग्नि ड्यूटी पर होता था हम लोग डर के मारे इधर उधर छुप जाते थे, लेकिन मैं उस सारी पब्लिक के सामने उस इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके आया हूँ। हाँ? सबास सबास सबास, आज की रात ये धर्मा तुमको पार्टी देगा। विदेशी नचनिया, दारू, गाना बजाना, मौज आएगी। अरे छी छी छी, क्या गलीज है ये। अरे हाथ धो के आना, जा बोला ना हाथ धो के आ, वहां मिलेंगे हम लोग। वो भी कड़क था, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, तुम्हारी तरह। अच्छा ये बता, आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था क्या? क्या लीगल क्या इलीगल होता है? अगर मैं ईमानदारी से पेश आता तो किसी मंदिर के बाहर, नहीं नहीं, किसी रेलवे स्टेशन के पास बिना कटोरी के भीख मांगता, पुलिस मुझे किसी शक में अंदर ले जाती। राजा हरिश्चंद्र का जमाना नहीं रहा है, अगर यूनिफॉर्म में होता तो आउट ऑफ फॉर्म होता। इसलिए मुझे जो भी धंधा अच्छा लगा वो मैं करने लगा। अरे ये क्या अग्नि, इतना साबुन रगड़ने के बावजूद भी खून के धब्बे मिट नहीं रहे हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर। तोलिया, अबे तोलिया ला। ए, मेरी बात तेरे कान तक नहीं पहुंची क्या? टवल ला कर दे बॉडीगार्ड। ए ए, इस तरह घूर क्या रहा है, टवल ला के दे। ए, मैंने टवल लाने के लिए कहा है, पर्दा लाने के लिए नहीं। मैं कफन लेके आया हूँ। कहने का मतलब क्या है? इसे लाश पर ओढ़ के जाऊंगा यहाँ से। किसकी लाश पर बता? सत्या 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 सत्या, अग्नि ये क्या किया तूने? Who am I? चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तुझे प्रोटेक्शन देना मेरी ड्यूटी है। हमका प्रोटेक्शन? यस, बीटी ऑफिसर का खून करके ये खूनी सीएम के घर में आके छिप गया। ये बात ऑपोजिशन पब्लिक या फिर मीडिया पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? सो तुझे प्रेस के सामने ये बयान देना होगा कि सत्यप्रकाश को मारने का हुक्म तूने दिया था। जो ही ये खबर सत्यप्रकाश को लगी तो वो तुझे मारने के लिए तेरे घर पर आ गया और तुझे बचाने के लिए मुझे इसका खून करना पड़ा। तुझे तो मैं किसी भी जगह पे आराम से मार सकता हूँ और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है सीएम सर, तू भी इसी की मौत मरेगा। इस राज्य के लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। इसी तरह तेरी आंखों के सामने तेरे एक एक चमचे को गोली से भून नहीं डाला तो मुझे कुत्ता बोल लेना तू, क्योंकि तेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हूं मैं और तेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। जल्दी प्रेस मीटिंग बुलाओ। प्रेस। नमस्कार, अग्नि इज ग्रेट। अग्नि ना हो तो मैं खत्म हो गया था। मैं जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। हम इस राज का मुख्यमंत्री हूं और सत्यप्रकाश सातिर गुंडा, पुलिस अफसर का खूनी हत्यारा। उसे गिरफ्तार करने का डिपार्टमेंट का ऑर्डर हम दिया, ठीक कहा ना? यस सर। इसलिए वो हमका मारने के लिए घर का धमका, अग्नि ने सही वक्त पर आकर उसका मार कर हमारा प्राण बचा लिया। हम ही का आभारी हूं, बस यही बाकी है। हमका जान का परवाह नहीं, जनता का जान का परवाह है, इसलिए हम इस जाबाज अफसर को एंटी गुंडा एक्ट का चीफ बनाने का ऑर्डर देता हूँ। किस अधिकार से तुमने उसे दोबारा खास पावर दे दी? हाँ? नहीं तो हमका भी गोली मार देता। हमारा सामने आखिर के सामने उस ससुरा अग्नि ने सत्यप्रकाश को गोली से भून डाला। कल हमका गोली से ना मारे इसकी क्या गारंटी है? अब तू ही बताना, जवाब देना। वो मामूली दिमाग वाला नहीं है, कहीं गलती से वो अग्नि भड़क उठा तो हम तो भस्म हो जाऊंगा। वो ससुरा भस्मासुर है।
उसे फौरन सस्पेंड करवा दो। ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? अरे काहे नहीं? सॉरी सर, मीडिया के सामने आपने खुद कहा कि मिस्टर अग्नि ने आपकी जान की रक्षा की। अब आप उसे सस्पेंड करेंगे तो आप अपने कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे और आपको जेल जाने के भी नौबत आ सकती है। ठीक है, ठीक है। एक ही बार में उसे इस लोक से परलोक ट्रांसफर करवा दूंगी। कोई आवाज नहीं करेगा उस अग्नि के लिए। मेरा ये पंजा ही काफी है। सबको क्लियर कर दो। सर, बस में तकरीबन 60 लोग हैं, जिसमें से 20-30 महिलाएं हैं, 15-20 बच्चे हैं, बाकी मर्द हैं, उनमें से एक आतंकवादी है। कंट्रोल रूम, अग्नि हियर, एनी डिमांड? हेलो अग्नि, द फायर, नाउ आई विल शो यू द रियल फायर। उस बस में हमने हाईली इनफ्लेमेबल आरडीएस फिक्स कर दिया है, कुछ ही पल में ये ब्लास्ट होने वाला है। अब तुझे यह पता चलेगा कि रियल फायर कौन है, द ब्लैक टाइगर पावर। तुझे अपनी जनता से बहुत लगाव है ना, अब वे तेरे सामने मरेंगे। सीधा प्रसारण, अब खुद ही देख ले। नो नो ब्लैक टाइगर नो। जनता के नजर में तो हीरो है ना, अब जीरो है। ए ब्लैक टाइगर, दुश्मनी तेरे और मेरे बीच है, उन बेगुनाहों को सजा क्यों दे रहा तू, उन्हें रिहा कर। हे अग्नि, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, यही यही मैं तेरे सामने हूँ, तेरा हीरोइज्म देखने के लिए। हो सके तो बचा ले उन्हें, खड़े खड़े सोच क्या रहा है? लुक ब्लैक टाइगर, बस में भोले भाले लोग हैं, उन्हें छोड़कर तेरी डिमांड क्या है बोलो मुझसे। मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, मैं एसटीएफ को वापस भेज दूंगा। ओके ओके, मूव मूव फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। बस में बच्चों के साथ महिलाएं और वृद्ध भी हैं, जरा उन पर तो रहम कर, मेरी बात मानो, उन्हें रिहा कर दे तू। टाइगर जब एक बार अपना शिकार पकड़ लेता है तो उसे छोड़ता नहीं, यही टाइगर का स्टाइल है। रिलीज दम, आई से रिलीज दम। ऑफिसर्स, हमें बड़ी होशियारी से काम करना होगा। मुंबई और गुजरात की सीमा पर सिक्योरिटी टाइट कर दो और एसटीएफ के जवानों से कहना कि हर एक शख्स पर कड़ी निगरानी रखे। वीआईपी हो या फिर कोई भी मंत्री, हर एक को चेक करने के लिए कहो, बिकॉज दिस इज द वॉर बिटवीन ब्लैक टाइगर एंड आवर पुलिस फोर्स। सर, ब्लैक टाइगर प्लीज, और डिटेल मत पूछना, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझ पे अगर तुम लोगों को जरा भी भरोसा है तो प्लीज बिलीव मी, जस्ट ओबे माय ऑर्डर्स। इस स्टेट की हालत बहुत ही गंभीर है, ब्लैक टाइगर ने हमारे कई अफसरों को पैसों से खरीद लिया है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। दिस इज अ चैलेंज फॉर आवर पुलिस डिपार्टमेंट, हमें मिलजुल के काम करना होगा। अगर किसी आतंकवादी ने शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की तो उसे गोली से भून डालेंगे हम, चाहे हमारी जानी क्यों न चली जाए। व्हाट ब्लड सर? ओके ओके, जनता के लिए हम जिएंगे और जनता के लिए हम मरेंगे। ड्यूटी के दौरान अगर हम शहीद भी हो गए तो हमें तनिक भी गम नहीं होगा। प्लीज वादा करके तुम लोग सब मेरे साथ दोगे, आतंक को मिटाने के लिए अपनी खुशियों को त्याग देंगे हम, इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इस देश से आतंक को मिटा के ही दम लेंगे हम, और आतंकियों को समझा देंगे कि पुलिस से भिन्ने का अंजाम क्या होता है। हेलो टाइगर, ब्लैक टाइगर, अग्नि,
तो कितना खुराफात है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं कितना खुराफात हूँ ये तू नहीं जानता। ये बता तू मेरा क्या उखाड़ पाया? तेरी आंखों के सामने तेरी माँ मरी और तू बस देखता रहा। अरे तेरी माँ का तो गुस्सा होता है तब तेरी आवाज बहुत सुरीली हो जाती है। आई लाइक इट। अरे रे 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 रे। गुस्सा बढ़ रहा है अग्नि। अगर तू एक बाप की पैदाइश और तेरी माँ पतिव्रता है तो सामने आके मुकाबला करना वे। निहत्ते मासूम बच्चे और महिलाओं की जान लेने वाला तू खुद को मर समझता है बे? क्या कहा? आए, 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 आए। अगर तू वाकई मर्द है तो कोई भी स्पॉट बता मैं जरूर वहां आऊंगा। शेर की तरह आऊंगा सुअर की तरह नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी शेर हमेशा अकेले शिकार करते आया है। ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ अग्नि, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। शहर के हर जगह मैंने बम लगवा दिए हैं। तू लायन है ना? अगर हिम्मत है तो बम का डिफ्यूज करके दिखा। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा सब की खबर रखता हूँ। सर दुकान से आ रहा है खबर पक्की। हेलो, ये खबर पक्की है, जस्ट फॉलो हिम। ब्लैक टाइगर। विच ब्लैक टाइगर सर? कौन है वो? तुम उसे नहीं जानते हो क्या? सर मैं ब्लैक टाइगर को नहीं जानता, ब्लैक कोबरा को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता सर। तो फिर बम और आरडीएक्स वगैरह बस में किसने रखा? बोलो किसकी शरण पर तुम ये काम कर रहे हो? वो कौन है बोलो? आई कांट से दैट सर, कह नहीं सकता। ओके 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 अशोक। कमन किल मी सर, किल मी, जान लीजिए मेरी, मगर इस तरह टॉर्चर मत कीजिए सर। सच बताने की हालत में नहीं हूं मैं सर। टेररिस्ट अक्सर यही बोलते आए हैं, सच बोलो तो तुम्हें छोड़ देंगे हम। सर आप यकीन कीजिए मैं टेररिस्ट नहीं हूं। वन सेकेंड, ये देखिए, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किसी आतंकवादी ने मेरे माँ बाप और बहन को बंधक बना के रखा हुआ है, उन्हें छोड़ने के लिए पैसा मांग रहा है सर। मेरा यकीन कीजिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। Relax. Where is the spot? हाँ पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा, वहीं रख दो। ये ले। साहब छोटा नहीं? कोई बात नहीं, जा। ओ शुक्रिया साहब। Boys, पिज़्ज़ा। शांत। मम्मी पापा। हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूँ। टाइगर अग्नि ने हमें पकड़ लिया। क्या बोल रहा है तू? वहां कैसे पहुंचा? उसने जो भी कहा सच है, तुम्हारी फैक्ट्री को हमने सेल कर दी है। क्यों? ऐ ज्यादा चिल्ला मत, तू क्रिमिनल है तो तुझ जैसे क्रिमिनल का बाप हूं मैं। एक बात सुन ले, पुलिस से बड़ा गुंडा इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ब्लैक टाइगर, जस्ट काउंट योर डेज।
देखो यहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, तुम दोनों को क्या चाहिए मैं दिला दूंगा, समझे? जल्दी भागो। सर मैं प्रताप पाटिल बोल रहा हूँ, जयनगर के फोर्थ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स से। लगता है ब्लैक टाइगर यहाँ बम रखने आया हुआ है, आप फौरन आ जाइए। तुम दोनों घर जाओ। हाँ तो मोबाइल था, फिर भी पीसीओ से किसको फोन कर रहा था ये? हाँ रीडायल करके पता करता हूँ। लगता है वो फिर से जरूर वापस आएंगे। वेलकम टू द टेलीफोन बोथ मिस्टर पुलिस डॉग, तेरी सिंसियरिटी और तेरी जिम्मेदारी को सलाम करता हूँ। सुनो खबरी, हमारे साथ रहने वाले लोग गली गली की खबर रखते हैं। आज तेरी किस्मत ने तेरे साथ बेवफाई की, बात कर, अगर बात करना बंद करेगा तो बम फट जाएगा, तेरे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। रिसीवर रखेगा तो फटेगा, दरवाजा खोलेगा तो भी फट जाएगा, मुझसे खेलने का अंजाम देख लिया? बात कर अग्नि से जी भर के बात कर, इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं है, लेकिन मैंने बम कहीं और रखवाया है। सर, बम का पता चला? प्रताप, नो आइडिया सर। बम कर कहाँ? वहाँ सर। कम ऑन मेक इट फास्ट, गो क्विक, क्लियर द क्राउड। सर प्लीज प्लीज मूव ऐसे, चलो 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 चलो। हे अग्नि, तुझे जिस टेलीफोन बूथ से खबरी ने खबर दी, मैंने उसी टेलीफोन बूथ पर तेरे खबरी को मरवाने के लिए बम फिक्स किया है। उसी बूथ से तेरा इन्फॉर्मर प्रताप तुझे खबर देता है ना? बब्बर शेर बनता है अग्नि, ये मजाक नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल है, प्रताप से बात कर ले। प्रताप सर, मैं तो यहाँ कहा। टेंशन क्यों ले रहा है अग्नि? तेरे सामने जो टेलीफोन बूथ है, किसी भी वक्त वो ब्लास्ट हो सकता है। नो यस, हमारी खबर को तुझ तक पहुंचा के प्लान बदलने में हम कामयाब हो गए, उसकी मौत निश्चित है। हाँ, अगर उसने फोन रखा या फिर भूत का दरवाजा खोला तो वो मरेगा। सर नहीं। कर बात कर, वरना मर जाएगा। नाउ योर काउंटडाउन बिगिन, 10 बताइए सर, 7 सर बताइए प्लीज, 5 सर बताइए सर बताइए, 2 सर सर, अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचा ली आप। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन फॉर गेम इज ओवर। अग्नि, काउंट योर डे। प्रताप सर, याद है आपने उस दिन कहा था कि मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अनफिट हूँ, लेकिन आज पुलिस की ड्यूटी करते हुए जान की कुर्बानी दे रहा हूँ। अब तो मैं फिट हूँ ना सर। यू फिट, 100% फिट। कॉल द एम्बुलेंस। नो सर, कोई जरूरत नहीं, एक और चलम मिला तो सर, अगर एक और जन्म मिला प्रताप तो पुलिस ही बनूंगा सर। प्रताप सर, दिस इज माय लास्ट सैल्यूट सर। प्रताप जय हर निशम सेवा मैं।
जवाब दे, दे जवाब। भोले भाले लोगों के खून से कब तक खेलती रहेगी तू? सारे शहर में सनसनी फैलाने के बाद यहाँ चैन की नींद सो रही है? हाँ, आज मैं सच्चाई जान के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी 100 गलतियों को माफ करने के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण है। अग्नि, वो ब्लैक टाइगर कहाँ है? बता बता, राबड़ी देवी बता। साले पिया करो, इस तरह पीकर पड़े रहने के लिए मैंने तुम्हें नहीं पाला है। उठाओ, उठाओ, तुम लोग हमें मारने के लिए यमराज आ गया है। उठाओ, उठाओ। अरे भाई ये क्या है यार? अरे उठो ना। अग्नि, अग्नि आ गया। थोड़ी सी पीते हैं तुम्हारे चारों तरफ अग्नि अग्नि दिखता है। अरे वहाँ देखना अग्नि। ए मुन्ना, ए समीर, ए रवि भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वो देखो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। काट डालो इस सारे को। इस गॉड मदर का कुंडा निकालता हूं अभी। झूठ तो गया काम से। मुझ पर तू अटैक करेगा? आज तुझे काट के रख दूंगा। जानलेली संध्या का लवर और इस गॉड मदर का छोटा बेटा रोहित। उस संध्या ने मेरे बड़े बेटे के केस में ही अपनी टांग अड़ाई और इन्वेस्टिगेशन कर रही। जब ये पता चला तो मैंने अपने छोटे बेटे को उस संध्या से प्यार करने का नाटक खेलने को कहा। किसी और को पता न चले इसलिए उसे और उसके पास जो सबूत है उसे पूरी तरह मिटाने को कहा। लेकिन तूने बीच में आके मेरे बेटे रॉकी को मुझसे छीन लिया। ब्लैक टाइगर केस में संध्या इन्वॉल्व थी। उस हादसे की रात
संध्या। रोहित, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैसेट है, कुछ भी करके इसे अग्नि शहर तक हमें पहुंचानी होगी। जल्दी चलो रोहित। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? माय डियर संध्या, आई लव यू। और इस तरह सारे सबूत मैंने अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है ऑफिसर। ये माँ भगवान से बढ़कर है, है? माँ मोहब्बत का नाम है। माँ वो होती है जो काफी दर्द सहकर अपने बच्चे को जन्म देती है और खुद रूखी सूखी खाकर अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ भगवान से बढ़कर होती है। अरे तेरी माँ भगवान नहीं, पिशाच है। अपने स्वार्थ के लिए उसने तेरी बलि चढ़ा दी। उस भगवान के साथ अपनी माँ की तुलना मत कर, क्योंकि ये बेहया औरत माँ के नाम पर एक कलंक है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। तेरा ये बेटा तुझे भगवान से भी बढ़कर मानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि तू कितनी कमीन औरत है। तू भी एक माँ है। तूने माँ जैसे पवित्र शब्द का अपमान किया है। आज मैं तुझे मारकर इस देश की जनता को राहत दिलाने वाला हूँ। यस। योर ऑनर, वारदात को अंजाम देने वाला हम नहीं हूं, वो ब्लैक टाइगर है। हम तो सिर्फ उसका कठपुतली हूं। हम लोगों का डोरी उसके हाथ में है। हम तो एक गरीब मुख्यमंत्री हूं योर ऑनर, उका ससुरे का पकड़ो ना। सारी बहस के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री धर्मराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसलिए माननीय गवर्नर महोदय से इनके सरकार को बर्खास्त करने का हुक्म देता हूँ। सिर्फ यही नहीं, पूर्व कमिश्नर के ट्रांसफर को रद्द करने का आदेश देता हूँ और पुलिस अफसर अग्नि को ब्लैक टाइगर ऑपरेशन के लिए स्पेशल पावर्स देता हूँ। अग्नि टाइगर, ब्लैक टाइगर। अरे तो मुझे क्या पकड़ेगा? टाइगर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हिंदुस्तान की सरहद पार कर गया, मुझ में कितनी ताकत है मैं तुझे दिखाता हूँ। पुलिस की वर्दी में तो तू एक गिदड़ है। मर्द है तो आंखें मिल। बाय, गुड बाय। अग्नि, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी। Welcome to Bangkok. Thank you, officer. Please. Is everything ready? Yes, sir. Good. Please. You will get it. Yeah.
This is the power of Indian police. Black Tiger! अग्नि शाबाश, मर्द है तू, वाकई माँ का दूध पिया है तू। मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया तू, इसलिए मैं तुझे सलाम करता हूँ। अग्नि आजा आजा आजा, मुझे ढूंढते हुए जब यहाँ तक पहुँच गया है तब मेरे करीब आने से तू डरता क्यों है? आजा, come on, तू टाइगर के गढ़ में आया है, याद है ना? तूने मुझसे एक बार कहा था अगर मर्द का बच्चा है तो अकेले लड़का दिखा। इस इलाके में सिर्फ हम दोनों ही हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं है। वैसे ये मेरा साम्राज्य है। This is Black Tiger Kingdom। यहाँ तो अकेला है। अकेला हुआ तो क्या हुआ, ये अग्नि है, इस अग्नि को बुझाना कोई आसान काम नहीं है, जलकर मर जाओगे। देखो इन आंखों को गौर से देखो, जो तेरे साम्राज्य को जलाकर राख करने के लिए आया हुआ है। एक बार किसी को घूर के देख लिया तो पल भर में भस्म हो जाएगा वो। अगर आज ये हिंदुस्तानी शेर तेरी मां में आके तुझे ललकार रहा है, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो इस शेर से सामना कर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो तुमने सुना होगा। हिंदुस्तानी से दोस्ती करोगे तो वो तुझ पर अपनी जान लुटाएगा, और अगर दुश्मनी करोगे तो जान ले भी लेगा। कम ऑन। Yeah.
देखा हिंदुस्तानी पुलिस में कितना दम है। थैंक यू मिस्टर अग्नि, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर बहुत नाज है। तुमने जनता का दिल हमेशा के लिए जीत लिया है। Keep it up. We are proud of you, Agni. Thank you, sir.